एक तरफ पूरे प्रदेश में विश्व विकलांग दिवस मनाया जा रहा है तो उमरिया जिले के विकलांग अपनी मांगों को लेकर दो दिनों से अनशन पर बैठे हैं। तो वहीं विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर शासन के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसमें स्कूली बच्चों के द्वारा पेंटिंग और रंगोली कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन मंच खाली रहा और अधिकारी नदारद रहे। या हम आपको बता दें कि जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर विकलांग अनशन पर बैठे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जैसा कि आज विश्व विकलांग दिवस है, हम विश्व विकलांग दिवस के दिन में हम सभी को धन्यवाद देते हैं और साथ में ये विश्व विकलांग दिवस के दिन में हम दो दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 19 प्रकार के सूत्रों को मांग लेकर हम राज्यपाल और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी के नाम पर ज्ञापन दिया है और 19 सूत्रों की मांग है, जैसे बैटरी वाली गाड़ी को लेकर है और मध्य प्रदेश सरकार में तमाम कार्यालय जितने भी हैं उसमें दिव्यांग कोटे की जो भर्तियां हों उसे जल्द से जल्द भरे, जो शिक्षा अनुसार योग्य दिव्यांग हैं उन्हें उनके जगह दिए जाएं, कलेक्टर रेट या दैनिक वेतन भोग पर उन्हें उनके योग्यता के अनुसार पर अगर रख ले तो हमारी समस्या खत्म हो जा सकती है। जिले में अगर दिव्यांग मार्केट बना दिया जाए, 100 दुकान भी बन जाए तो 100 दुकान में दिव्यांगों को रोजगार करने का एक मौका मिलेगा। साथ में 0% में 5 लाख रुपए तक अगर हमें 0% अगर वो ब्याज ना ले, 0% ब्याज रखे तो हमें उसमें भी लाभ मिल सकता है। ऐसे मिलाकर हमको 19 सूत्रों का मांग लेकर हम कलेक्टर जी के माध्यम से हम रख रहे हैं। अगर मांग हमारी कंप्लीट अगर पूरी नहीं होगी तो हम 3 महीने बाद फिर धरना प्रदर्शन अनिश्चित तक करेंगे। अगर इसके बाद भी फिर उसके बाद नहीं होती तो हम भूख हड़ताल हम सब दिव्यांग अनिश्चित तक करेंगे। ये हमारी हम सब संगठन में दिव्यांग ने ठाना है। विश्व विकलांग दिवस का आयोजन किया गया है, इसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम और बच्चों की ड्राइंग प्रतियोगिता, भाला फेंक और अन्य प्रोग्राम किए गए और ये सब कलेक्टर महोदय जी की अध्यक्षता में हुआ है। मगर देखा जा रहा है कि आज जिले भर के पूरे विकलांग विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर हड़ताल और धरने पर बैठे हुए हैं। जी, इसकी क्या कारण है कि उनको सुविधाएं नहीं दी जा रही है? सुविधाएं उनको मुहैया कराई जा रही है, बट उनकी क्या है कि कुछ ऐसी शर्तें हैं जैसे विकलांग पेंशन बढ़ाने के संदर्भ में, तो ये शासन लेवल पर ही इसका कुछ निराकरण किया जा सकता है। जी सर, इसके विषय में हम हमारे अधिकारी महोदय से बात करेंगे और आगे से सभी दिव्यांगों को पूरी तरह से सुविधाएं मिलने इसकी पूरी तरह से कोशिश करेंगे। नारायण गौतम, दिव्यांग दोनों पैर से, नरोजाबाद ग्राम सस्तरा का निवासी हूं। मैं आज करीब 10 वर्ष से ट्राई साइकिल मोटराइज के लिए मैं आवेदन करते आ रहा। केंद्र मंत्री से मैंने लिखा के ले आया, विधायक के लिए, सांसद के लिए, लेकिन उप संचालक द्वारा मुझे आज तक परेशान किया गया। मुझे आज तक ट्राई साइकिल बैटराइज नहीं दी गई। अभी मैंने कलेक्टर साहब के यहाँ जाके बोला व्हील चेयर मेरी खराब चलती है, वो बोलते हैं अभी नहीं है यहाँ पे, हैं बोले बाहर जाओ। बाहर आ गए सर, हम बताइए व्हील चेयर हमारी चलाई नहीं चलती, हम दोनों पैर से दिव्यांग हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं। 600 रुपये पेंशन मिलती है, मेरे 5 लड़के बच्चे हैं, उनको मैं कैसे कैसे जीवन यापन करूँ। अब बताइए पेंशन भी 15-15 दिन लेट मिलती है, हैं खाद्यान्न तो मिलता है 35 KG, लेकिन हमको बस में आने जाने की भारी परेशानी होती है, उसका हमको पास बना के दिया जाए। और रेलवे कंसेशन फार्म जो पहले बना था रिजेक्ट कर दिया गया, अब नया बनवा के हम लोगों को दिया जाए जिससे हमको ट्रेन में आने जाने की सुविधा हो सके। विकलांग संगठन जिला उमरिया की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से 19 सूत्रीय मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है और उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञापन उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास भिजवा दिया जाएगा। इनकी 19 सूत्री मांगे में कई प्रकार की मांगे हैं इनकी,